सो व्हाट्स अप भाइयों, क्या हाल चाल। जानता हूँ काफी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। हर वीडियो में बोलता हूँ कि जल्दी आएगी जल्दी आएगी, बट हो ही जाती है लेट वीडियो आने में। चलिए, कहाँ ऐसा चल रहा है कि भाई वीडियो बनाने के जिस दिन सोचता हूँ उस दिन कुछ ना कुछ काम आ जाता है, वीडियो पोस्टपोन करनी पड़ती है, ना कहीं आने जाने का टाइम मिल रहा है अभी ना। तो आज सोचा फाइनली वीडियो बना ही ले, सर्दी काफी हो रखी है। सो पहले तो भाई थैंक यू सबको, 1000 सब्सक्राइबर हो गए इतना सपोर्ट करने के लिए। तो भाई आज की वीडियो कुछ सीन में ऐसा है, कुछ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सबसे बड़ी जिम में जा रहे हैं भाई। आज जिम में जिम का टूर कराते हैं और फिर वर्कआउट शेयर करते हैं और थोड़ी थोड़ी बीच में नॉलेज भी देते रहेंगे, दिखाते हैं कितनी बड़ी जिम है कैसी है। चलो भाई चलते हैं जिम में, जब जिम पहुंचेंगे तब स्टार्ट करेंगे। सो गाइस फाइनली आ गए हैं जिम में, आउटव्यू दिखाता हूँ जिम का, क्यों मैं सबसे बड़ी जिम कह रहा हूँ। ये अपने डेमन भाई भाई, ए भाई ऊपर तक जिम ही है पूरी। सो गाइस फाइनली एंटरिंग इन जिम, द जिम द्रोणाचार्य, द जिम। ये भाई जिम का फर्स्ट फ्लोर, कह सकते हो मेनली है वेट लिफ्टिंग के लिए है। बाकी ये अपना डेड लिफ्ट का सेक्शन हो गया, स्क्वाट्स, हैवी हैवी मशीन है सारी, तो ज़्यादातर वेट ट्रेनिंग का ही है। ये भाई गर्मी गर्मी ना लगे उसके लिए पंखा। लेट्स गेट इनटू द सेकंड फ्लोर, मेनली मशीन्स के। सीसीडी की मशीन भाई, रोहित खत्री करता था बस हमारी जिम में, नरेला में भी है भाई। ये भाई अपना जतिन भाई, जिसके साथ आज वर्कआउट करना है, भाई का चैनल है ट्रेन भाई जतिन, सब्सक्राइब करना। आगे आज इसके यही कराएगा वर्कआउट हमारा, आज फुल वर्कआउट करेंगे, फुल वर्कआउट का बैक का। ये सेकंड फ्लोर है भाई जिम का, मेनली मशीन नहीं है यहाँ सारी। ये भाई अपना सेकंड फ्लोर है जिम का, सारी मशीन में रखी है यहाँ, शोल्डर प्रेस, चेस्ट प्रेस, टी बार रो। ये भाई अपनी बेंच प्रेस, इंक्लाइन फ्लाई, सारी मेनली भाई मशीन ही रखी है यहाँ सारी। चलो भाई थर्ड फ्लोर पे चलते हैं, दिखाते हैं थर्ड फ्लोर कैसा है। थर्ड फ्लोर कार्डियो का है भाई पूरा। भाई अपना थर्ड फ्लोर है जिम का, सारी कार्डियो की मशीन है। तुम इलेक्ट्रॉनिक साइकिल, इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल साइकिल जो सारी जिम्स में होती है देखने को। स्प्रिंटर भी है भाई, किसी को स्प्रिंट मारने हो, एक ट्रेडमिल, क्रॉसफिट। और अभी तो ये था भाई अपना थर्ड फ्लोर जिम का, अभी तो एक फ्लोर बाकी है, दिखा लो। ए भाई तुम्हारा ओपन में है थोड़ा, मतलब ऐसे टीन वीन लगा रखी है, चीज है भाई जिम में, सारी चीज है भाई जिम में, कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना हो जिम में। तभी तो भाई कह रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सबसे बड़ी जिम है। दिखाता हूँ भाई, तुम्हारे स्टेप पर हो गए, पंचिंग बैग हो गया, एप्स का वर्कआउट भाई, आर्म वो फोर आर्म्स के लिए मशीन, सब कुछ है भाई। तुम्हारा मंकी बार, सारी चीजें हैं भाई, और क्या चाहिए भाई जिम में। चलो भाई अब चलते हैं अपना सीधा सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि वहीं से वर्कआउट स्टार्ट करना है हमें, वहीं पे फिर अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। जिम दिखा दिया, कैसी लगी वो बताना। चलो भाई यार वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, तो भाई बताएंगे क्या क्या करेंगे आज। तो सबसे पहले करेंगे पुलअप्स, पुलअप्स के बाद डेड लिफ्ट, और उसके बाद रोइंग, मतलब कि जो बैक है उसको पूरा टारगेट करेंगे, और फिर लास्ट में बाइसेप्स की एक्सरसाइज करेंगे। तो बैक की एक्सरसाइज में स्ट्रैप्स काफ़ी हेल्प करते हैं, इससे ग्रिप नहीं छूटती, ग्रिप स्ट्रॉन्ग रहती है। हाँ, और आपने नोटिस किया होगा जब हम बैक को ट्रेन करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो फोरआर्म मसल है वो जल्दी फटीग हो जाती है, तो स्ट्रैप्स यूज करने से ग्रिप का इशू खत्म हो जाएगा और ज्यादा रैप्स लग पाएंगे, और ज्यादा रैप्स लगेंगे तो ज्यादा मसल बिल्ड होगी। तो ये वार्म अप सेट था, इसमें 3-4 रैप्स लगाए, अब वेटेड
पुलअप्स लगाऊंगा मैं, वेट यूज करूंगा, वो मेरा मेन सेट होगा। स्लो रेपिटेशन भाई, स्लो एंड कंट्रोल, ज्यादा अच्छे से हिट होती है बैक। एक चीज और कि लोग है ना पुलअप्स को वार्म अप सोचते हैं कि ये वार्म अप है, वो उनको काउंट नहीं करते एज एक्सरसाइज। ये वार्म अप एक्सरसाइज नहीं है, इसमें भी आपकी बैक की मसल टारगेट होती है, तो उसको अपनी मेन एक्सरसाइज में काउंट करो, इसको वार्म अप के लिए मत करो। क्योंकि क्या होगा, अगर आप इसी में थक जाओगे तो आप अपनी मेन जो बैक की एक्सरसाइज होंगी बाद में वो कर ही नहीं पाओगे। कई लोग भाई ऐसे लगा देते हैं तेज तेज के चक्कर में, कोई फायदा नहीं होता उसका ना। स्लो एंड कंट्रोल रखो रेपिटेशंस। अब पहली एक्सरसाइज पुलअप्स थी भाई अपनी, हम नीचे चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, डेडलिफ्ट करते हैं। हम सेकंड एक्सरसाइज डेडलिफ्ट से स्टार्ट करते हैं। चलो भाई डेडलिफ्ट करते हैं अब। तो अब करेंगे डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट में हम करेंगे ट्रैप बार डेडलिफ्ट, और आप अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते हो, जैसे आरडीएल और रोमेनियन डेडलिफ्ट, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, ट्रैप बार डेडलिफ्ट, कन्वेंशनल डेडलिफ्ट। तो आप अपनी मर्जी से डेडलिफ्ट चूज कर सकते हो। हिप हिंज पैटर्न हमारे वर्कआउट में होना बहुत ज़रूरी है। हिप हिंज का मतलब होता है जैसे कोई भी डेडलिफ्ट वेरिएशन, इसमें हम अपने हिप को हिंज करते हैं। अच्छा, हिप इन हिप आउट। हाँ, तो हम करेंगे ट्रैप बार डेडलिफ्ट। हम स्टार्ट करेंगे एम्प्टी रोड से, पहले वार्म अप करेंगे, उसके बाद फिर हम वेट बढ़ाएंगे। तो दो सेट डेडलिफ्ट के किए हमने, एक सेट जो था वो लोअर रैप रेंज में था, मतलब उसकी जो रैप रेंज थी वो थी 3 से लेके 8 तक की। जो दूसरा सेट था वो था 8 से लेके 12 की रैप रेंज में। ये हमारी भाई थर्ड एक्सरसाइज है अपर मिड बैक टारगेट करने के लिए, टी बार रोइंग चेस्ट रो बता दो। तो इसको करते टाइम हमें क्या करना है, स्कैपुला प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन करना है। स्कैपुला हमारे जो बैक होती है उस पर 2 हड्डियाँ होती हैं, तो जैसे अगर उसमें स्कैपुला प्रोट्रैक्शन कर रहा हूँ मैं, और ये रिट्रैक्शन हो गया, तो ये प्रोट्रैक्शन हो गया, ये रिट्रैक्शन हो गया। इसका फ़ायदा, इस मशीन में ये फ़ायदा होता है कि ये स्टेबल है, जो ये पैड होता है ये आपकी चेस्ट के सामने रहता है, तो उससे स्टेबिलिटी ज़्यादा बन पाती है। भाई स्लो रेपिटेशन अपने, तो ये स्कैपुला होता है यहाँ, तो ये प्रोटेक्ट और रिट्रैक्ट हो रहा है, जिससे कि ये सारी अपर बैक की और मिड बैक की मसल्स टारगेट हो रही हैं। स्लो रेट बढ़ा फेलियर तक जाते हैं। ऊपर तो तेज लिया हुआ है बट नीचे जाते टाइम स्लो रखो। बढ़िया हिट होती है। तो इसको करते टाइम लोग क्या करते हैं, वो बाहर लेके जाते हैं इसको, एल्बो को। तो हमें एल्बो को बाहर नहीं लेके जाना,
हमें थोड़ा सा ऐसे बैठना है जैसे जैसे स्ट्रेट लाइन में हो। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे मेरे लैट्स हैं ये, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में है। अब जैसे थोड़ा सा मैं ऐसे होके बैठा हूँ इसमें, तो ये मेरे लैट्स फाइबर इसमें ज़्यादा इफेक्टिवली ट्रेन होंगे। और एल्बो जो है वो बॉडी से पीछे नहीं जानी चाहिए, मतलब जो एल्बो है वो मैं यहाँ लेके आऊँगा, उसको मैं पीछे नहीं लेके जाऊँगा। अगर मैं उसको पीछे ले जाऊँगा तो मेरी अपर बैक की मसल टारगेट होगी। तो लैट्स को ट्रेन करने के लिए हमेशा एल्बो को हिप के पास लेके आना। आपको दिमाग में सोचना है कि मेरे को अपनी एल्बो को हिप के पास लेके आना है ऐसे। थोड़ा टेढ़ा बैठना है। और हिप के पास हाँ, पीछे नहीं लेके जाना इसको, एल्बो को यहाँ इससे पीछे नहीं लेके जाना, पीछे नहीं लेके जाना। हाँ इसको पास रख। हाथ की पोजीशन है ना सेम में रख पूरे उसमें मूवमेंट में, टेढ़ा मेढ़ा मत कर। बढ़िया तरह लग रही है भाई, उसमें लैट स्क्रैच हो रहा है पूरा, अफेक्ट आ रहा है। जैसे ये एल्बो पीछे जाएगी तो अपर बैक की मसल टारगेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई बैक की पांच एक्सरसाइज करी, उसमें ही हमने पूरा बैक ट्रेन कर लिया। हम अब साथ में बाइसेप्स भी ट्रेन हुए हैं, तो अब दो ही एक्सरसाइज करेंगे बाइसेप्स की बस, क्योंकि दो ही इनफ है बाइसेप्स की करने के लिए। उसमें ही बढ़िया ट्रेन हो जाएंगे बाइसेप्स। पांच एक्सरसाइज किए, उसमें से चार एक्सरसाइज में बाइसेप इनडायरेक्टली ट्रेन हो चुका है एक्सेप्ट डेडलिफ्ट में। तो बस अब दो एक्सरसाइज और करेंगे बाइसेप्स की, डायरेक्ट हिट करेंगे, उसमें ही अपना हो जाएगा पूरा हिट। अभी पंप देखना तुम, दिख रहा हो तो पंप देखना, आलू आया अभी एक। अच्छा तो अब करेंगे प्रीचेयर कर्ल। प्रीचेयर कर्ल में ये फ़ायदा होता है कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल एक्सरसाइज होती है। जैसे इसमें अब मेरा जो अपर आर्म है वो बिल्कुल स्टेबल है, तो ये इसमें तो इसमें स्टेबिलिटी बनी रहती है, तो मेरे जो बाइसेप्स हैं वो अच्छे से ट्रेन हो पाते हैं। स्टैंडिंग फीचर कर, पूरे नीचे लेगा, पूरा ऊपर लेगा। बोल ले जा तू, कर तेने कुछ बताना होता है। इतना स्लो मारने के बस ही पंप ज्यादा आएगा, जितना स्लो करोगे मसल अच्छे से ट्रेन होगी, टेंशन बनी रहेगी मसल पे। फ्लेक्शन भी बढ़िया हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़िया हो रहा है। तो एक एक्सरसाइज हमने कर ली जिसमें कि हमारा जो आर्म है वो आगे की तरफ हो जैसे ऐसे, और जब दूसरी करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा आर्म है वो पीछे की तरफ हो, जिसमें हमारा बाइसेप्स लेंथेंड पोजिशन में ट्रेन होगा। जैसे केबल बेसियन कर्ल करेंगे तो प्रीचेयर कर्ल हमने कर ली, उसमें जो हमारा एल्बो, उसमें जो हमारी एल्बो थी वो आगे की तरफ थी, इसमें हमारी एल्बो पीछे की तरफ होगी। तो ऐसे इसमें भी वही एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए हमारा आर्म। जैसे ये मेरा बाइसेप्स है, ये केबल है, तो एक स्ट्रेट लाइन में है। अगर साइड में होगा तो इतना इफेक्टिवली बाइसेप्स ट्रेन हो नहीं पाएगा। एल्बो पूरा लेंथ एंड पोजीशन में ठीक है, स्टेबल रख के बाइसेप्स पूरा लेंथ एंड पोजीशन में रख। बस रैप पे ट्राई करो कि जितने रैप लगे थे लास्ट टाइम उससे एक ज्यादा लगाने की ट्राई करो। अगर नहीं लगता तो वेट इंक्रीज मत करो। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब सिर्फ वेट नहीं होता, रैप्स आपने ज्यादा रैप्स लगाए वो भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड है, आपने थोड़ा सा वेट बढ़ा दिया वो भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड है, आपने अपनी फॉर्म को भी इम्प्रूव कर लिया तो वो भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड है।
तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड सिर्फ वेट तो सिर्फ वेट बढ़ाने से प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं होता, बेसिकली बेटर देन प्रीवियस वीक करना होता है। यहाँ पे वर्कआउट खत्म होता है अपना, जिसमें हमने आज पुल वर्कआउट किया, जिसमें हमने 5 एक्सरसाइज बैक की, करीब 2 एक्सरसाइज बाइसेप्स की। बाकी किसी को और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो इसी के साथ वर्कआउट खत्म करते हैं, बढ़िया लगा भाई वर्कआउट करके। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। चलो गाइस, हाँ बाकी आपको फीस स्ट्रक्चर दिखाना रहेगा, क्या है जिम का फीस स्ट्रक्चर। ये भाई अपना मंथली फीस 4,000 है, 3 महीने की 9,000 है, हाफ ईयरली 12,000, एनुअली 18,000। और भाई जो ये मैं सबसे बड़ा बता रहा था, देखो 7,000 स्क्वायर फीट में फैली हुई है भाई जिम, दिल्ली बिगेस्ट जिम। तो भाई जिम में अगर आप आओगे, आप विजिट करोगे तो आप करवर के देखो यहाँ पे एक्सरसाइज। और यहाँ पर आपको जो मैनेजर है अरविंद भाई, उनसे आप बात बात कर लेना, वो आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह भी दे देंगे अगर आप एनुअली एनरोल करोगे इस जिम में। तो चलो भाई इसी के साथ जिम का सीन रैप अप करते हैं यहीं, बाकी बातें अपने स्टूडियो में जाके कर। चलो ये बाकी बातें वहीं करते हैं, व्लॉग वगैरह वहीं ख़त्म करेंगे अपना। भाई ठंड बहुत है, दिल्ली की ठंड भाई बिल्कुल कपा देती है। चले तो गए थे फिर रस्ते में, जो पता हमें अपने स्कूटी में गए थे, इतनी ठंड लग रही थी भाई जाते टाइम। चलो भाई जो भी था वीडियो में, होपफुली आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना भाई, शेयर कर दिया करो यार, थोड़ा सपोर्ट मिलता है। बाकी सब्सक्राइब करना जो भी न्यू व्यूअर्स आए हो। अब आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। चलो भाई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। और भाई जय श्री राम, 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है। चलो भाई रैप अप करते हैं, see you guys in the next video, tab tak ke liye bye bye. ek cheez aur batao, tum is side aao ek baar, agge ek baar ek cheez batao, wahan aao.